नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड में दी गई इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के डाउट्स बहुत सारे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर सारे ही डाउट्स को कवर करने की कोशिश करूं, और कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एडमिट कार्ड है। एक स्टूडेंट ने मेरे को पर्सनली मेल करके भेजा था। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने रिक्वेस्ट करा था कि आप अपना मेल सेंड करें। काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे को सेंड करा, तो मैंने अभी इसमें से एक एडमिट कार्ड लिया है आप लोगों के सामने। एक कॉपी वन है और ऐसी दो कॉपी आपको एडमिट कार्ड के PDF के अंदर देखने को मिलेगी, जिसमें ऊपर कोर्स का नाम मेंशन है और यहाँ पे आपको दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम सेशन और मेन गेट क्लोजिंग टाइम। अब आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से गौर कर लेना है और इस टाइम को दिमाग में डाल लेना कि ये बाकी एग्जाम्स की तरह नहीं है कि आप 5 मिनट पहले जाके सर मेरे को अंदर जाने दो, सर मेरा थोड़ा सा मतलब लेट हो गया, ऐसा वहाँ पे नहीं चलेगा। क्लोजिंग टाइम मींस क्लोजिंग टाइम, अगर आप इस टाइम से पहले गेट के अंदर एंट्री कर गए तो कर गए, नहीं तो आपको यहाँ पे एंट्री करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ अंदर जाके करनी होती है और उसमें हाफ एन आवर का टाइम लग जाता है। एग्जाम आपका एक्चुअली में स्टार्ट होगा 8 to 10:30 AM और एग्जामिनेशन टाइमिंग आपके हर एक एडमिट कार्ड पर अलग अलग होगी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और नीचे आपको इस तरीके से आपको एग्ज़ाम का वेन्यू दिया जाएगा, तो आप गूगल मैप्स लगाएं चाहे कुछ भी डायरेक्शंस यूज़ करें, लेकिन आपको पहुंचना रिपोर्टिंग टाइम पे है और क्लोजिंग गेट टाइमिंग जो है उससे पहले पहुंचना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कट हेयर कॉपी दिया हुआ है उन्होंने। अब यहाँ पे जब आप प्रिंट करके लेके जाओगे, कलर में भी ले जा सकते हो, आपको वैसे कलर में ही ले जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर आपको विजिबिलिटी अच्छी से हो जाएगी। बार कोड आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी स्कैन होता है आपका एग्जाम सेंटर में जाने के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक कॉपी आपके पास रहेगी और एक आपके इन्विजिलेटर के पास सबमिट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे दो कॉपी दी जाती है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जनरल गाइडलाइंस के बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई दो फोटोग्राफ आपको रखने जो कि रीसेंट फोटो होनी चाहिए उसके अंदर। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला है कि आपके पास आपका एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपके साथ में कैरी करना जरूरी है, जैसे कि वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, एम्प्लॉयर्स ID, गवर्नमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इनमें से कोई भी एक ID आपके पास ऑफिशियली वहाँ पे होनी चाहिए। और ध्यान रखना है ID का आपके पास ना तो कलर फोटो कॉपी चलेगा, ना ही स्कैन कॉपी चलेगा, ना ही सॉफ्ट कॉपी चलेगा। जैसे कि बच्चे जाते हैं ना कि भाई मेरा ये रहा आधार कार्ड फ़ोन के अंदर देख लो, वो सब नहीं चलेगा। आपको मतलब ओरिजिनल अपना जो है कैरी करके लेके जाना है, वहाँ पे कोई भी फोटोग्राफी एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। और कम से कम दो फोटोकॉपी आप इस एडमिट कार्ड की करा के रख लें फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि आगे जाके जब आप अपना एडमिशन रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एडमिट कार्ड की डिमांड रखी जाती है। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपका जो एडमिशन है वो प्योरली प्रोविजनल है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया है। वो सब डिपेंड करेगा आपने एलिजिबिलिटी फुलफिल करी है नहीं करी है, आपका रैंक क्वालिफाई हुआ है नहीं हुआ है, और भी बाकी सारी चीज़ें जैसे कि डॉक्यूमेंट्स और सब कैटेगरी आपने करेक्ट भरी थी नहीं भरी थी, इन चीज़ों पर मैटर करता है। तो प्योरली प्रोविजनल होता है इनकी तरफ से। बाकी जब आप पूरा वेरीफाई करा लेते हो, अपना एडमिशन डिटेल्स वेरीफाई करा लेते हो, फी पेमेंट करा लेते हो, तो आपका एडमिशन जो है कन्फर्म हो जाता है। कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी आपके एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करने के लिए, तो आपको पहले ही मैंने समझा दिया था। इसके बाद नो लेटरल एंट्री इज अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, वो भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाई कभी भी ध्यान रखना इस बात का, 1 से 2 मिनट भी अगर आप लेट हो गए हो तो क्लोजिंग टाइम के बाद आप वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे अंदर जाने के बाद आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी, बार कोड स्कैनिंग होगी, फोटोग्राफी कैन बी डन प्रायर टू अलॉटमेंट ऑफ कंप्यूटर नोट फॉर अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन। कंप्यूटर पर बैठने से पहले मतलब सिस्टम पर जाने से पहले आपका थर्मल स्कैनिंग होगा, बार कोड स्कैनिंग होगा, तो इन सब प्रोसीजर में टाइम लगता है, तो इस वजह से आप लोगों को टाइम पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको कैरी नहीं करना है, जैसे कि स्मार्ट वॉच जो मेरे से कमेंट सेक्शन में पिछली वीडियो में पूछा था, तो आपको स्मार्ट वॉच कैरी नहीं करनी है। ईयरफोन्स और माइक्रोफोन और ऑल टाइप ऑफ वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस, हैंडबैग्स, पर्स, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स, पेजर, डिजिटल डायरी, बुक, नोट्स एंड एनी टाइप ऑफ मेटेलिक आइटम्स एटसेट्रा इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और इसके साथ साथ अगर आप अपना सामान लेके जाते हो, कोई ज्वेलरी आप पहन के जा रहे हो और वहाँ पे आपसे मना कर दिया गया अंदर ले जाने के लिए, या फिर आप
कुछ बैग कैरी करके लेके गए और आपने सेंटर पे वो बाहर ही रख दिया, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसके लिए वो आप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं। अगर वो चोरी होता है खोता है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे। तो आपके साथ कोई भी रिलेटिव जाता है तो आप उनको अपना सामान पकड़ा सकते हैं। फ़ोन को कैरी करना आपको पता है कि ऑब्वियस बात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके साथ एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए वहाँ पर वेट करे, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं, तो इसमें क्या होता है, आप जैसी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाओगे और आपको वहाँ पे जाके आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है वो अलॉट कर दिया जाएगा सिस्टम, और इसके बाद आपकी फ़ोटोग्राफी होगी और कंप्यूटर लैब को छोड़ने से पहले भी आपकी एक फोटोग्राफी होगी। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है यहाँ पे, आफ्टर द कंप्यूटर टेस्ट इज ओवर द कैंडिडेट मस्ट अपियर फॉर फोटोग्राफी बिफोर लीविंग द कंप्यूटर लैब, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट 10 मिनट्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे आप सिस्टम पे बैठे हैं और जैसे आपका जो टाइम स्टार्ट होने का एक्चुअल में, उससे 10 मिनट पहले आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा और वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है, आपका एग्जाम सामने आ जाएगा और फिर आपको वो अटेम्प्ट करना है। सारे ही आपका जो एग्जाम्स है वो इंग्लिश मीडियम में आने वाला है, एक्सेप्ट फॉर बीएड वो बाइलिंगुअल होगा इंग्लिश एंड हिंदी में, ठीक है। इसके बाद कोई भी आपने कोई चीटिंग का मोड अगर रखा है अपने पास, या फिर आपने कुछ गलती ऐसी करी है, या फिर आपसे बाय मिस्टेक कैरी हो गया, तो आपको एग्जाम से वो बाहर कर देंगे ऑन द स्पॉट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल एक्शन एज पर द रूल्स एंड सच केसेस विल बी रिपोर्टेड टू द पुलिस ऑल्सो इफ नेसेसरी। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें हैं कि अगर आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कोई ऐसा अनफेयर मीन रखा है तो आपको बाहर निकाला जा सकता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है, 50 मिनट्स का टाइम उसको कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन को रिपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई मेरा जो आंसर है सही है और जो क्वेश्चन है वो गलत है, तो आप 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन अपना ऑब्जेक्शन पुटअप कर सकते हैं वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके। वो भी जब आप एग्ज़ाम दे देंगे उससे 2 से 3 दिन बाद वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है। और इसके साथ साथ आपके पास एक ऑप्शन है मॉक टेस्ट का, जो कि आपको ip.ac.in वेबसाइट पर मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, किन बातों को ध्यान रखना होता है, तो ये आपका और भी क्लियर हो जाएगा। तो अब इस बात पे ध्यान देना है आपको कि भाई आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के तौर पे एडमिट कार्ड की 4 प्रिंटआउट निकाल के रखने हैं, जिसमें से एक आप लेके जाओगे, 2 लेके जाओगे सेंटर पर, 2 आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखना ज़रूरी है। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसमें 150 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स दिए जाएंगे और हर एक गलत पे आपका -1 का डिडक्शन होगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन केयरफुली फॉर द कंप्यूटर टेस्ट, वो आपको वहीं पे मिलेंगे। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसमें सेम चीज़ें रिपीटेड है, मैंने पहले ही पढ़ लिया था, वही अपना पेट बॉटल ले सकते हो, सैनिटाइजर लेके जाना है और जल्दी पहुंचना है, टेम्परेचर ऑफ कैंडिडेट विल बी चेक एट द एंट्री एग्जाम ऑफ वेन्यू बाय थर्मोगन, इस सबका ये तो हर जगह होता ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, नया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप में अपना नहीं दिखाया है, जब आप सेंटर के अंदर एंट्री करोगे तो वहाँ से आपसे फ़ोन में बोला जाएगा भाई आरोग्य सेतु आपने डाल रखा है, उसमें आप सेफ दिखाई दे रहे हो तो ही आपको एंट्री कराई जाएगी। अब वहाँ पे होता क्या, भाई फ़ोन तो अंदर अलाउड नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके प्रिंटआउट का यहाँ से आप उसको कट कर देंगे और इसमें अपना सेल्फ डिक्लेरेशन कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, कैंडिडेट रोल नंबर लिखना है, एग्जामिनेशन लिखना है और सेंटर का नाम लिखना है, सिग्नेचर करके दे देना है। ये डिक्लेरेशन क्या है कि भाई मैं बीमार नहीं हूँ और मैं परफेक्टली फाइन हूँ, इस तरीके से आप इसको डिक्लेरेशन करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है जिसको सिम्टम्स आते हैं और वो लगता है कि भाई कोविड वाला स्टूडेंट है, तो उसके लिए उन्होंने एक आइसोलेशन लैब बनाया हुआ है जहाँ पर वो बच्चे को सेपरेटली अलग से बैठा के एग्जाम दिलवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों के लिए दिए गए हैं यूनिवर्सिटी ने, आप अच्छे से रीड कर लें इसको। और बाकी बच्चे, मैं आपसे यही बोलूँगा कि सभी स्टूडेंट अवॉइड करें अननेसेसरी चीज़ को ले जाने के लिए वहाँ पे। सो फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कैसे कैसे आपको आगे इंस्ट्रक्शन रखने हैं अपने। अगर कोई डाउट रह जाता है, क्वेरी रह जाता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच।